हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर विषय राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत संवैधानिक विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है वह है भारत शासन अधिनियम 1919, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के भी नाम से इस भारत शासन अधिनियम 1919 को जाना जाता है। तो इस तरह से भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम सेम है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत शासन अधिनियम 1919 का जो प्रमुख कारण है, अर्थात इस भारत शासन अधिनियम 1919 को क्यों लाया गया, तो इसमें सबसे पहला कारण था कि मुस्लिमों के पृथक निर्वाचक मंडल से कांग्रेस असंतुष्ट थी, क्योंकि कांग्रेस यह चाह रही थी कि भारत में सांप्रदायिकता का जो है कि बीज न बोया जाए, क्योंकि उसी तरह से ही भारत में सांप्रदायिकता से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। अतः मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग की जा रही थी उसको लेकर के कांग्रेस असंतुष्ट थी। दूसरा कारण था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाने पर सहमति नहीं हो पा रही थी। इसके साथ साथ तीसरा सबसे प्रमुख कारण है बाल्कन युद्ध से भी मुस्लिम असंतुष्ट थे, और प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियां, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद से, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध है वह 1914 से लेकर के 1918 तक प्रमुख रूप से जो है कि हुआ था। तो इस तरह से यह अधिनियम 1900 यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद से लाया गया था, और प्रथम विश्व युद्ध से भी हमारे देश में अनेक प्रकार की आपत्तियां उत्पन्न हुई थी, अनेक प्रकार के असंतोष उत्पन्न हुए थे, जिसको यह अधिनियम लाना आवश्यक था। इसके बाद से इसी बीच 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र, या इसको हम अगस्त प्रस्ताव के भी नाम से जानते हैं, यह मॉन्टेग्यू के द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसमें सबसे पहला बात यह कहा गया था भारतीय शासन में भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। दूसरा बात यह कहा गया कि एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, और तीसरा है क्रमिक रूप से भारत को स्वशासन दिया जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों की यह नीति थी कि जब भी भारत में भारतीयों के द्वारा किसी तरह का कोई विद्रोह किया जाता था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज समय समय पर तमाम जो है कि ऐसे झूठे प्रलोभन, झूठे वादा करते थे, जिससे भारतीय संतुष्ट हो जाएं, भारतीय आंदोलन करना बंद कर दें। उसी क्रम में यह 20 अगस्त को यानी कि मॉन्टेग्यू के द्वारा यह घोषणा पत्र दिया गया, और उसमें यह कहा गया कि क्रमिक रूप से भारत को हम स्वशासन दे देंगे तथा उचित समय और सरकार के निर्णय से। अर्थात उनका यह मानना था कि जब उचित समय आ जाएगा तो उचित समय के आने के बाद से यह शासन उनको क्या कर दिया जाएगा, सौंप दिया जाएगा। इसके साथ साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसके माध्यम से क्या क्या किया गया, तो सबसे पहला कार्य किया गया कि गृह सरकार में परिवर्तन किया गया। दूसरा कार्य है कि केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन किया गया। तीसरा प्रमुख कार्य प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन किया गया, और चौथा सबसे प्रमुख कार्य था सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से यह भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा मुख्य रूप से यह चार प्रकार के सुधार किए गए थे, जिसमें सबसे पहला सुधार गृह सरकार में परिवर्तन हुआ था, दूसरा है केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन हुआ था, और तीसरा है प्रांतीय परिषदों में परिवर्तन, और चौथा है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल में परिवर्तन। तो इस तरह से ये चार सुधार किए गए थे, जिसको हम एक एक देखेंगे कि गृह सरकार में क्या परिवर्तन किया गया, दूसरा है केंद्र सरकार की कार्यकारिणी परिषद में क्या परिवर्तन किया गया,
प्रांतीय परिषद में क्या परिवर्तन हुआ और सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल के रूप में किस प्रकार के निर्वाचक मंडल का गठन किया गया था। तो पहला हम देखते हैं कि गृह सरकार में परिवर्तन क्या किए गए थे। जब सबसे पहले जो भारत सचिव की परिषद होती थी उसमें ये जो सदस्य होते थे वह 8 से 12 होंगे ऐसा निश्चित किया गया। दूसरा जो कि सुधार, आधा सदस्य दीर्घकाल से भारतीय क्षेत्र में रह रहे हों, अर्थात ये जो भारत सचिव की परिषद में 8 से 12 सदस्यों को शामिल किया जाएगा इसमें से 50% सदस्य ऐसे होंगे जो एक लंबे समय से भारत के अंदर रह रहे हों, भारत के प्रत्येक गतिविधि को जानते हों, ऐसे सदस्यों को इसमें जो है कि स्थान दिया जाएगा। दूसरा सबसे प्रमुख जो है कि परिवर्तन, भारतीय सचिव का वेतन भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके जो है कि परीक्षाओं में बन सकते हैं कि किस शासन अधिनियम से भारत सचिव का जो वेतन है वह भारतीय कोष से देना बंद कर दिया गया था। तो वह भारत शासन अधिनियम 1919 है जिसके तहत भारत सचिव को भारतीय राजस्व से अब वेतन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगला जो परिवर्तन हुआ, एक नए पद भारतीय उच्चायुक्त का सृजन हुआ था जो भारत सचिव की क्या करेगा, सहायता करेगा। तो यह भी प्रश्न आपके लिए जो है कि महत्वपूर्ण हो सकता है कि किस भारत शासन अधिनियम के तहत भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था, तो वह है भारत शासन अधिनियम 1919। तो गृह सरकार में मुख्य रूप से परिवर्तन, सदस्यों में वृद्धि की गई, इसके साथ साथ भारतीय सचिव का वेतन अब भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा ऐसा निर्णय लिया गया, और एक नए पद भारतीय उच्चायुक्त का सृजन किया गया था जो मुख्य रूप से भारत सचिव की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। इसके बाद से केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में भी परिवर्तन किया गया था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कह रहा है कि 3 भारतीय सदस्य होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक भारत सचिव के परिषद में परिवर्तन हुआ और दूसरा है कि केंद्र की कार्यकारिणी अर्थात जो वायसराय होता था जो भारत में शासन करता था उसके कार्यकारिणी परिषद में भी परिवर्तन किया गया था जिसमें कह रहा है कि 3 भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, व्यापार का मामला मिला। दूसरा, केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का क्या कर दिया गया था, बंटवारा कर दिया गया था। जिस तरह से आज के समय में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है उसी तरह से यहां पर भी केंद्र व प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा किया गया था सबसे पहली बार, और वह भी कब, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। तो केंद्र सूची में मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय महत्व के विषय थे उनको रखा गया था, जैसे वित्त हो गया, इसके साथ साथ राजनीतिक संबंध हो गए, विदेशी मामले हो गए, डाक हो गया, ये सभी के सभी विषय अर्थात जो महत्वपूर्ण विषय होते थे उनको केंद्र सूची में रखा गया। और राज्य सूची में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि को रखा गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि स्थानीय स्वशासन को चलाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था में विकास करने के लिए, इसके साथ साथ स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए धन की जरूरत होती थी, और ये धन किसके पास था, केंद्र के पास था, यानी कि राष्ट्रीय महत्व के जो विषय थे उनको केंद्र सूची में स्थान दिया गया था। तो ये केंद्र की कार्यकारिणी परिषद में परिवर्तन किया गया। सबसे पहला महत्वपूर्ण बात आपको जानना है कि 3 भारतीय सदस्यों को इसमें शामिल किया गया। इसके साथ साथ केंद्र व प्रांतों में विषयों का क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय को केंद्र सूची में और बाकी जो अन्य विषय थे उनको राज्य सूची में रखा गया था। अगला परिवर्तन देखते हैं, केंद्र की विधायिका में परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, विधायिका में आप समझते ही होंगे जो विधि बनाने से संबंधित जो अधिकार होते हैं उसको हम विधायिका के नाम से जानते हैं। जिस तरह से यहां कह रहा कि प्रथम बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी, तो ये भी जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको हमेशा याद रखना है कि किस शासन अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को लाया गया था, तो वह था भारत शासन अधिनियम 1919। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें से जो पहला सदन था उसको उच्च सदन अर्थात इसको राज्य परिषद भी कहते थे, और इस परिषद में
60 सदस्य होंगे, जिसमें से 27 मनोनीत होंगे और 34 क्या होंगे, निर्वाचित होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये संख्या आपको कहीं कहीं पर ये मनोनीत जो सदस्य संख्या है ये 26 भी मिल सकती है और निर्वाचित सदस्यों की संख्या 34 भी मिल सकती है, लेकिन ये जो सदस्य संख्या है ये सही है, यानी कि 27 मनोनीत सदस्य होंगे और 33 कैसे होंगे, निर्वाचित होंगे, और यह उच्च सदन अर्थात राज्य परिषद के सदस्य होंगे और टोटल सदस्य संख्या कितनी होगी, 60 होगी। ऐसी व्यवस्था किस शासन अधिनियम के तहत की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। अगला, जो ये 60 अभी सदस्यों को आपने देखा है, इसमें मुख्य रूप से कह रहा है कि जो निम्न सदन होगा उसमें केंद्रीय विधानसभा के नाम से जाना जाएगा, जो उच्च सदन है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 60 थी, लेकिन ये जो निम्न सदन होगा, जैसे आज के समय में आप देखते हैं कि लोकसभा होता है और दूसरा सदन क्या है, राज्यसभा है, तो उसी तरह से यहां पर जो है कि द्वि सदन की स्थापना की गई थी, जिसमें से पहला सदन का नाम क्या रखा गया था, उच्च सदन या राज्य परिषद रखा गया, और दूसरा जो सदन था वह निम्न सदन अर्थात केंद्रीय विधान सभा का नाम इसको दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से 41 मनोनीत सदस्य होंगे, इन 41 सदस्यों में से 15 गैर सरकारी सदस्य होंगे और 26 कैसे सदस्य होंगे, सरकारी सदस्य होंगे। सरकारी और गैर सरकारी का तात्पर्य आप समझते ही होंगे, सरकारी का तात्पर्य हो गया यानी कि जो ब्रिटिश सदस्य होते थे उनको मुख्य रूप से जो है कि सरकारी सदस्य का उपमा दिया जाता था, और जो भारत से लिए जाते थे उनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता था। तो यहां पर आप देखेंगे कि निम्न सदन में भी यानी कि जो 41 मनोनीत सदस्य हो रहे हैं उसमें भी अंग्रेजों ने अपना बहुमत बनाए रखा। इसके साथ साथ 104 सदस्य यहां से क्या होंगे, निर्वाचित होकर के आएंगे, जिसमें से 52 सामान्य निर्वाचन से आएंगे, 30 मुसलमान निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे, 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे और 2 सदस्य कैसे आएंगे, सिख निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे। तो इस तरह का प्राविधान पहली बार इस भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। फिर से देख लीजिए, यानी कि जो दूसरा सदन था उस सदन में 41 सदस्य मनोनीत होकर के आने वाले थे, जिसमें से 26 सदस्य सरकारी होंगे, 15 गैर सरकारी होंगे, दूसरा 104 सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे जिसमें से 52 सामान्य निर्वाचन से आएंगे, 30 मुसलमान निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे, 20 विशेष निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे और 2 कैसे आएंगे, सिख निर्वाचन क्षेत्र से आएंगे। ठीक है, इसके बाद से उच्च सदन राज्य परिषद के सदस्यों को चुनने की योग्यता, अभी जो मैंने आपको बताया है कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था पहली बार अपनाया गया था, जिसमें से सबसे पहला जो सदन है उच्च सदन है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि 60 सदस्य होंगे, और इन 60 सदस्यों को चुनने के लिए जो योग्यता है यानी कि किसके द्वारा ये सदस्य चुने जाएंगे, तो सबसे पहला है कि महिलाओं को अनुमति नहीं थी, अर्थात इनके निर्वाचन में महिलाएं जो है कि वोट नहीं डालेंगी। दूसरा है मताधिकार सीमित था, सीमित मताधिकार का मतलब हो गया कि भारत के सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं था, कुछ विशेष लोगों को अधिकार था, जैसे 10,000 रुपए वार्षिक आय, यानी कि उस समय जिसकी 10,000 रुपए वार्षिक आय होगी वही व्यक्ति जो है कि यहां पर मतदान करेगा, 75 रुपया वार्षिक भूमिकर देता हो, या फिर ये 10,000 रुपया वार्षिक उसकी आय हो, तो ऐसे व्यक्ति ही यहां मतदान करते थे। और इस तरह से 1920 में लगभग करा कि 24 करोड़ जनसंख्या में जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 17,263 लोगों को ही मताधिकार प्राप्त हुआ था, यानी कि जो लोग इस मानक का पालन करते थे वे ही लोग ही जो है कि इस उच्च सदन के सदस्यों के निर्वाचन में क्या किए थे, भाग लिए थे। तो 24 करोड़ जनसंख्या में से सिर्फ और सिर्फ 17,263 लोगों ने ही मतदान कर पाया था। इसके बाद से निम्न सदन, निम्न सदन का तात्पर्य यह हो गया कि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों को चुनने की योग्यता, यानी कि जो निम्न सदन अभी मैंने आपको बताया है कि जिसमें से आपके कुछ मनोनीत सदस्य थे और कुछ जो है कि निर्वाचित सदस्य थे, तो ये किस तरह से आएंगे, किसके द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, किसके द्वारा चुने जाएंगे, तो यहां पर
पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार यानी कि निम्न सदन के सदस्यों को चुनने के लिए दिया गया था। तो इसमें आपको याद रखना है कि किस भारत शासन अधिनियम के तहत महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। कब? पहली बार। इसके साथ साथ मताधिकार यहां पर भी क्या रखा गया था, सीमित रखा गया था। 15 रुपए मासिक किराया अगर कोई दे रहा है तो वह व्यक्ति मतदान कर सकता है। 15 रुपया वार्षिक नगर पालिका कर देता है, ऐसा व्यक्ति मतदान करेगा। अगला है 50 रुपए वार्षिक भूमिकर देता हो, ऐसा व्यक्ति मतदान कर सकता है। और 1920 में इस मानक के हिसाब से 19 लाख लोग मताधिकार क्या कर सके थे, प्राप्त कर सके थे। तो इस तरह से उच्च सदन और निम्न सदन, जो केंद्र में दो सदन की स्थापना की गई थी, उनमें सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाएगा, वह यह बात रहा। फिर से आगे हम देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की क्या शक्तियां थी, यानी कि केंद्रीय विधानमंडल में जो सदस्यों को स्थान प्राप्त था उनको कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई थी। सबसे पहला शक्ति है कि पूरे भारत के लिए वो क्या कर सकते थे, विधि बना सकते थे। दूसरा शक्ति मिला था कानून में संशोधन या रद्द करने का अधिकार भी इनको दिया गया था। विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों को बहुमत आवश्यक था और इसके बाद गवर्नर जनरल की सहमति क्या होती थी, आवश्यक होती थी। अर्थात जिस प्रकार से आज के समय में विधि बनाने की शक्ति केंद्र को प्रदान किया गया है, उसी तरह की शक्ति उस समय भी केंद्र के विधानमंडल को दिया गया था। अगला है प्रांतों में क्या परिवर्तन किया गया था। द्वैत शासन की स्थापना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, तो वह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। सबसे पहला जो शासन व्यवस्था था वह क्या था, गवर्नर जनरल व मनोनीत सदस्यों का एक शासन व्यवस्था, और दूसरा था गवर्नर जनरल व निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो इस तरह से यहां पर द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। पहला था गवर्नर जनरल और मनोनीत सदस्य होते थे, दूसरी तरफ गवर्नर जनरल और निर्वाचित सदस्य होते थे। तो इस तरह से प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पहली बार क्या किया गया था, बंटवारा किया गया था। तो इसको भी आपको याद रखना है कि केंद्र और प्रांत में पहली बार विषयों का बंटवारा, अभी पहली बार मैंने इसके पहले बताया है। इसके बाद से केंद्र सूची के विषय और इसके साथ साथ राज्य सूची के विषय, इसका विभाजन किया गया था। तो केंद्र सूची में प्रतिरक्षा, विदेशों से संबंध, विदेशियों को भारत की नागरिकता प्रदान करना, कर, नमक, डाकखाने, सिक्के, नोट, रेल इत्यादि, यानी कि जो महत्वपूर्ण विषय थे। और आज के समय में भी आप देखेंगे कि ये जितने भी विषय आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये भी आज के डेट में किसके विषय हैं, केंद्र के विषय हैं। तो उस समय भी इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को केंद्र सूची में स्थान दिया गया था। इसके अलावा प्रांत सूचियों में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, अकाल में सहायता, कृषि इत्यादि विषयों को शामिल किया गया था। तो यह भी मैंने अभी आपको बताया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही केंद्र और प्रांत दो विषयों का बंटवारा किया गया था। प्रांतों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों का बंटवारा भी किया गया था। आरक्षित विषय कौन कौन से थे, करा कि जो अधिक महत्व के विषय थे वे सब के सब क्या रखे गए थे, आरक्षित विषय रखे गए थे, यानी कि वह मुख्य रूप से जो है कि केंद्र के पास ही था। जैसे भूमिकर है, न्याय है, पुलिस है, समाचार पत्र है, ऋण है, अकाल है, सहायता है, ये सभी के सभी कौन से विषय थे, आरक्षित विषय थे। इसके साथ साथ जो दूसरा था वह था आपका हस्तांतरित विषय, यानी कि इसको स्थानीय स्वशासन जो राज्य सूची के विषय थे, स्वशासन है, शिक्षा है, कृषि है, खाद्य है, वस्तुओं में मिलावट है, जन्म मृत्यु का आंकड़ा इत्यादि जो इकट्ठा किया जाता था वह मुख्य रूप से कौन से विषय थे, हस्तांतरित विषय थे।
इसके बाद से फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।